नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो आज की तारीख 9 जून को ही यूपीपीसीएस इलाहाबाद ने एक अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति जो दी गई है दिनांक 10 जनवरी 2020 तथा विज्ञप्ति समथिंग 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को निम्नवत जो है ना उसका ब्यौरा है कि सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 की परीक्षा 18 जुलाई को होगी। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा विशेष 7 मुख्य परीक्षा 2019 जो है ना 25 जुलाई से चालू होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो यूपीपीसीएस 2019 की मेंस की परीक्षा है 25 जुलाई से चालू होगी। खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होगी। खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त। वही कंप्यूटर सहायक और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है ना वो 2016 की थी, जो कैंसिल हो गया था, वो 13 सितंबर को हो गई। और सहायक वन संरक्षण यानी एसीएफ की जो एग्जाम है 2019 का, वो 19 सितंबर से होगी। और जो 2020 का पीसीएस का प्री है और एसीएफ उसी में होता है, वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और वहीं पर ही जो अभियंत्रण सेवा परीक्षा जो अभी निकली थी यूपीपीसीएस की, वो होगी 1 नवंबर से। खंड शिक्षा अधिकारी जो बीओ का एग्जाम का मेंस परीक्षा जो है ना 6 दिसंबर को निर्धारित की गई है। और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो गया था, और वो जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो होगी कब, जैसा हमने डिस्कस किया है 13 सितंबर को यहाँ पर डिस्कस किया है। 13 सितंबर को उसकी मेंस जो है ना 6 दिसंबर को होगी। और जो पीसीएस 2020 का मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 22 जनवरी से स्टार्ट है। तो इस तरीके से ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और जो परीक्षा जो लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से जो है ना अपना शेड्यूल बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए।